राणी पार्वती देवी कला वाणिज्य महाविद्यालय हिंदी विभागाच्या वतीने कवयित्री शगुन विजय स्मृति निमित्त काव्यगायन स्पर्धा पार पडल्या। उपस्थितांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन झाले। कविता ही प्रसिद्धीसाठी न करता आत्मिक समाधानासाठी करावी, असे उद्गार डॉक्टर जयशंकर यादव यांनी दिले। आपके अंदर जो एक कवि मन बैठा हुआ है, जो शब्दबद्ध होकर आता है, जो आपके शब्द निकलते हैं, वो कविता में हो जाते हैं, उसमें संदेश रहता है। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, यह एक कविता का रूप बन गया। आप भी बहुत कुछ कहते हैं और एक कविता में चीज बन जाती है। जीवन को जीना हमने यूं आसान कर दिया, जीवन को जीना हमने यूं आसान कर दिया, किसी से माफी मांग ली और किसी को माफ कर दिया, यह कविता बन गया। या स्पर्धेत मोठ्या संख्येने विद्यार्थिनींनी सहभाग घेतला होता। बैठे बैठे नींद लगी तो देखा एक सुंदर सपना, लोग सोच रहे थे भ्रष्टाचार मुक्त समाज, बातें चल रही थी लड़ेंगे हम इसके खिलाफ और करेंगे मन परिवर्तन, लगाएंगे सफेद रंग का झंडा, यह सफेद रंग का झंडा होगा निशान भ्रष्टाचार के विरोध में की गई लड़ाई में विजय प्राप्त करने की। फिर मैंने देखा हर एक इंसान सोच रहा था यह सच है। बचपन से सुना है बेटा घर का वारिस है, बचपन से सुना है बेटा घर का वारिस है, तो फिर मैं कौन हूँ? इसी सवाल का जवाब ढूंढने चली हूँ मैं, था थोड़ी थोड़ी खुद को सवरने लगी हूँ मैं। माँ कहती है घर के सभी काम सीख ले तू, पापा कहते हैं कभी किसी को उल्टा जवाब ना दे तू, ये सारी हदें सिर्फ हम लड़कियों को ही क्यों? हाँ, इसी सवाल का जवाब ढूंढने चली हूँ मैं, हाँ थोड़ी थोड़ी खुद को सवरने लगी हूँ मैं, अपने परिवार का नाम रोशन करूंगी मैं, अब हटाऊंगी सब बाधाओं को मैं, मिटाऊंगी सब आशंकाओं को मैं, जमाने को बदलने की चाह है मुझ में, इसीलिए सबसे कदम से कदम मिलाकर चलने लगी हूँ मैं, अब राह तो बस उस दिन की है मुझको, अब राह तो बस उस दिन की है मुझको, जब मेरे माता पिता कहेंगे घर का बेटा भी मुझको, घर का बेटा भी मुझको। धन्यवाद। पेड़ों की उदारता तलाशने निकली, पता चला पेड़ आज खूब उदास है, पता चला पेड़ आज खूब उदास है, चिड़िया ने व्याकुल होकर जवाब दिया, अरे इसे तो इंसानों ने काट फेंका है, अरे इसे तो इंसानों ने काट फेंका है। वसुंधरा की सहनशीलता तलाशने निकली, पता चला वसुंधरा आज लुट गई है, पता चला वसुंधरा आज लुट गई है, नदियों ने दुखी होकर जवाब दिया, अरे इसे तो इंसानों ने छन्नी किया है, अरे इसे तो इंसानों ने छन्नी किया है। आखिर में बस इतना कहना है, बिना मूल्य मिली इस प्राकृतिक संपदा को, बिना मूल्य मिली इस प्राकृतिक संपदा को, अरे इंसानों अब तो मत लूटो, अब तो मत लूटो। यह मेरा धर्म है यह तेरा धर्म है, यह मेरा धर्म है यह तेरा धर्म है, इसी में उलझे हुए हम हैं। धर्म के इस काले चश्मे को हटा कर तो देखो, धर्म के इस काले चश्मे को हटा कर तो देखो, उसके पार इंसानियत नाम का एक अनमोल धर्म है। हम हिंदू, हम मुसलमान, हम सिख, हम ईसाई है, यह कहते कहते भूल बैठे है कि हम सब एक इंसान है। मन में एक सवाल आ गया, मन में एक सवाल आ गया, जवाब ढूंढना मुश्किल हो गया, परिस्थिति ही कुछ गंभीर दिख रही है, परिस्थिति ही कुछ गंभीर दिख रही है, न जाने क्यों हाथ से निकल रही है, कैसे और क्यों कहूँ मैं, कैसे और क्यों कहूँ मैं युवकों को कि उनमें सामर्थ्य है, जिनका छोटा सा काम भी आज व्यर्थ है, जिनके सामने लड़कियों का होता है बलात्कार, जिनके सामने लड़कियों का होता है बलात्कार, वहाँ युवक कहाँ मचाता है हाहाकार, हो रही है हत्याएं देश के विचारवंतों की, हो रही है हत्याएं देश के विचारवंतों की, फिर भी चुप बैठना क्या यही नीति है युवकों की। यावेळी या स्पर्धेत प्रथम गौतमी धुरी, द्वितीय हर्षदा मोरे, तृतीय अनुजा ओळकर या विजयी स्पर्धकांना बक्षिसे देण्यात आली।
सब्सक्राइब करा तरुण भारत डेली बेलगाम न्यूज चैनल आणि ताजा घडामोडी पाहण्यासाठी बेल आयकॉन वर क्लिक करा।